तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को पता है कि 8/3/2021 और आज के दिन हमारा महाशिवरात्रि है। तो दोस्तों, आज से हम लोगों ने जो जो YouTube पे हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, कमेंट पढ़ कर भी जवाब नहीं दिया जा रहा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका जवाब केवल उस पर कमेंट में नहीं दिया पा रहा था। ये सब सारी चीज़ें सोचने के बाद, देखने के बाद फाइनल हमने डिसीजन लिया है कि एक हम लोग ब्लैक बोर्ड बनाएंगे और उस पर हम हर एक चीज़ को आसानी से समझेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये अपना ब्लैक बोर्ड है और आज से जो चीज़ है, जो कमेंट आप लोग करेंगे, जितना मुझे जानकारी रहेगा वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। बशर्ते अभी बेशक मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जितना रहेगा। हाँ, यदि आप लोगों का कोई कमेंट आ ही गया है तो मैं कोशिश करूँगा, मेरा यही कोशिश रहेगा कि उस चीज़ को कहीं से, कहीं किसी के माध्यम से पूछ कर आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। मतलब मेरे पास जितना प्रयास रहेगा वो मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे मैं वो सारा चीज़ डालूँगा। ठीक है, तो मैं और एक चीज़ और हम लोग इसमें करेंगे, जो वायरिंग का काम होगा उसको हम लोग एकदम जीरो से सीखेंगे। जीरो से एकदम वायरिंग का काम इसमें अभी सीखा जाएगा और हर प्रकार का काम मतलब सीखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को जो नए लड़के हैं, जो ITI कर रहे हैं, जो ITI कर चुके हैं, उन लोगों को भी नहीं आ रहा है। जबकि मैं भी ITI किया हूँ, बट BCS कोई ज़्यादा मैंने क्लास नहीं किया है। लेकिन वो काम करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो हमारे पास है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। और वैसे तो मैं इस लाइन में काफ़ी दिन से हूँ, 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मैं काम कर रहा हूँ वो 1.5 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसी के लिए मैंने आज, महाशिवरात्रि भगवान का दिन था, तो हमने सोचा कि आज ही से स्टार्ट किया जाए। आज एक बेहतर दिन है हम लोगों के लिए, हमारे लिए, और इसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाना अच्छा समझा। और आप लोग अपना कमेंट में जो है कमेंट करिएगा, राय बतलाइएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, वो दिन हो रात हो, और मैं इस पर लाइव भी आ सकता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट हेड टू हेड बात करने के लिए। डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, आपस में रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। हफ्ते में कम से कम 3 दिन 4 दिन तो लाइव आ ही जाऊँगा, कम से कम ना ही ज़्यादा ज़्यादा दिन समय निकालूंगा तो आधा घंटा समय आराम से निकालूंगा, 40 मिनट का समय निकालूंगा और जरूर आऊँगा मैं लाइव। ठीक है, और यहाँ पे लाइव भी रहूँगा और यहीं पे मैं आप लोगों का जो कमेंट होगा और इसी पे वायरिंग वगैरह का जो डायग्राम होगा उसके माध्यम से आप लोगों को सारा चीज़ बतलाऊंगा। अभी मैं कोशिश करूँगा, हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट आया है एक वर्लपूल वॉशिंग मशीन का डायग्राम का है। ठीक है तो उसको हमने चेक करने के लिए उसके टाइमर के बारे में भी बतलाया है, लेकिन विशेष सभी लोग उसको ज़्यादा वीडियो को देखे नहीं है। वो वीडियो बहुत पुराना है, वो भी उस पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं, जो हमने कमेंट किया है, सॉरी, जो टाइमर का हमने जो वीडियो बनाया है उसको देखिए। और जो वर्लपूल वॉशिंग मशीन है उसमें आप ध्यान देंगे तो उसमें भी मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसानी से वो पढ़ लेंगे। ठीक, फिलहाल जो नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं स्वयं अब आ गया हूँ आप लोगों के साथ, और हम लोग परमानेंट अब जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे और हमेशा हम लोग काम होगा परमानेंट आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो मिले, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं मिल पाता है आप लोगों को, मेरे माध्यम से हफ्ता में एक बार कहीं वीडियो चला जाता है, इसलिए कि मैं भी अकेला हूँ और सारा काम भी फील्ड वर्क भी संभालना होता है। और एक जगह मैंने छोटा सा दुकान के तौर पर, एक जगह भी मतलब छोटा सा दुकान ही समझिए, छोटा दुकान है अपना केवल, जिसमें कोई सामान नहीं है, मैं केवल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। तो उसको भी वर्कशॉप हमने डाला है छोटा सा, तो वहाँ भी हमको जाना होता है, उसको भी संभालना होता है, और कस्टमर के घर जाके भी काम सारा करना होता है, और वहाँ भी सामान होता है, घर पे भी देखना होता है, और घर पे मैंने बैंडिंग मशीन रखा है उसको भी मतलब पंखा वंखा रेडी करना होता है। तो अब हमारे चैनल पर हर चीज़ आप लोगों के साथ शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप हमारी वीडियो को वॉच करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ITI कर रहे हैं, जो भाई ITI कर रहे हैं, उन लोगों तक आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जो मैं चीज़ बताऊँगा एकदम जीरो से, एकदम बारीक से, जैसे मैंने सीखा है इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में मैंने शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट में राय बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लड़के हैं, जो नए लोग हैं, उनको शेयर करिए। आप अपने घर पे जो लोग हैं, कुछ लोग तो अपने घर पे ही ये हमारा वीडियो देख के काम करना स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन विशेष उचित नहीं है। जब आपको कोई भी काम करने के लिए, ये लाइट का काम होता है, इसमें बहुत रिस्क होता है, काम वही करें जो उनको जानते हैं इनके बारे में। ठीक, वरना धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखें, उसके बाद तब जाके हाथ डालें। हाँ,
ठीक है, कुछ ऐसे रहेगा। और ये नहीं कि आज कुछ भी देखे और आप लोग ढूंढना चालू कर दिए, बहुत दिक्कतें होती हैं, लाइट का काम होता है, बहुत रिस्क होता है, जान का भी इसमें खतरा होता है, केवल आपके ही नहीं कई लोगों का खतरा रहता है, क्योंकि लाइट का काम में कुछ भी खराब हो सकता है और कहीं भी फॉल्ट हो सकता है। तो लाइट का काम भले ही आप करते हैं, लेकिन फिर भी हम भी सावधान रहते हैं और बहुत सावधानी से करते हैं, हमें भी लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, इस तरीके से सबको लाइट से डर लगता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर उस लड़के के पास जो काम सीखना चाहते हैं, और खास करके हमारा चैनल जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अब जो भी चीज़ बतलाऊँगा जीरो से ही बतलाऊँगा, और जैसे हमने सीखा है वैसे हम आप लोगों को दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप अपना कमेंट में राय बताइए हमको क्या करना चाहिए, कहाँ इसमें कुछ डिस्टर्ब है, लाइट वगैरह जो भी चीज़ है। हाँ, तो फिलहाल मैं अपने घर पे ही हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे मेरा सेटअप है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और हर हर महादेव। आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट जरूर करना एक बार, क्या हमको इस पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और किस तरीके से और हमको इसे क्या इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जय हिंद।